हर दफ़ा निकलेंगे, जितनी दफ़ा इमरान खान कॉल देगा हम निकलेंगे, अपने हर काम छोड़ेंगे और इमरान खान के पीछे चलेंगे। इमरान खान को गिराने के लिए, इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे थे, इलेक्शन में इकट्ठे थे, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? डिस्गस्टिंग इज़ ऑल दैट आई कैन से, काबिले नफरत। क्योंकि कायदे आज़म के बाद वाहिद लीडर है जो हमें मिला है, बाकी तो चोर लुटेरे हैं, सब डाकू हैं। ही इज़ द ओनली लीडर वी हैव गॉट। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद F9 पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद यौम तशक्कुर मनाने के लिए मौजूद है। जी, अस्सलामुअलैकुम, पंजाब में हुकूमत आ गई है, कितनी खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा, बयान से भी ज़्यादा। इतने हम खुश हैं कि अब हमें सुकून होना शुरू हुआ है कि हम तो सो भी नहीं पाते थे कि भाई ये क्या हमारे मुल्क के साथ होने लगा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा टाइमली उसने करम किया है और इनकी पंजाब में हुकूमत गई है, तो अल्लाह का हम जितना भी शुक्र करें कम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सब जमातें इकट्ठी थी इमरान खान के खिलाफ, जिमनी इलेक्शन हो, वजारत आला का इलेक्शन हो, जो मर्जी हो, अभी तक ये इकट्ठे हैं, लेकिन इमरान खान ने इनको शिकस्त दी। क्या समस्या है, वजह क्या बनी है इसकी? देखिए, वो हक सच पर है, इसलिए जाहिर सी बात है, ये तो था कि अगर देर से भी आएगी तो फतह खान साहब की ही होगी। पूरी आवाम उनके साथ खड़ी है। जो नाइंसाफियां हमारे साथ हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं, और ख़ासकर पंजाब में जो इन्होंने ज़्यादतियाँ की और जो 25 तारीख को इन्होंने हम पे किया, गैर कानूनी तरीके से हुकूमत छीनी, तो ये कोई एक बात नहीं है। फिर घरों में ये रात को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, बच्चों को, बूढ़ों को, हर एक को इन्होंने तंग किया। लोग मरने पर आगे, उनके पास तो कफन के भी पैसे नहीं हैं। बाकी सूबों में जीबी, कश्मीर, बलोचिस्तान, पंजाब, KP इमरान खान की हुकूमत है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैठे हैं, इस एरिया में कब तक इमरान खान साहब आएंगे? कोई बात नहीं, इस आइलैंड को भी हम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। ये आइलैंड अब कोई मानी ही नहीं रखता। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं। बहुत खुश हैं, बहुत खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड थैंक्स टू ऑनरेबल जजेस, जिन्होंने बड़े टाइम पे अच्छा फैसला किया इस बारे में। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, और इसके लिए वो हो जो बेहतरी हो, इसके लिए बहुत शुक्रिया। यौम तशक्कुर मनाने के लिए आज आप ये तादाद देख रहे हैं, कितनी खुशी है जो पंजाब में हुकूमत आई है। जी बिल्कुल, बहुत खुशी है सबको, और आप देख सकते हैं कि अवाम तो, बल्कि जिस दिन कल रात को भी किस तरह एकदम निकल आए थे, हालांकि उस वक्त इमरान खान की कॉल नहीं थी, तभी बड़ी तादाद में पूरे मुल्क में निकले थे। आज तो खैर खान साहब ने कॉल दी हुई है, और उसके पीछे कितनी एफ़र्ट है। ये इसी तरह नहीं हुआ जिस तरह खान साहब ने पंजाब के इलेक्शन में पूरा नैरेटिव बिल्डअप किया, और फिर पूरी आवाम निकली, और आवाम ने बाई इलेक्शंस में जनरल इलेक्शन से ज़्यादा वोट दिए हैं। आप देखें कि जनरल इलेक्शन में कभी 40-45% से नहीं, और बाई इलेक्शन में तो शायद 20-25% होता है, तो बाई इलेक्शन में 50% में कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जिसमें ज़्यादा आया। तो इससे पता चलता है कि आवाम पूरी तरह से अवेयर है, और ये कुछ भी कर लें, ये पूरी PDM कुछ कर ले, पूरा इलेक्शन कमीशन साथ रख लें, ब्यूरोक्रेसी साथ रख लें, हमारा जो टिपिकल इलेक्शन का स्टाइल है कि जी थाना कल्चर, पटवार खाना, वो सब रख के भी उन्होंने पूरी ट्राई करके देख ली है। तो तब भी इमरान खान ने प्रूफ किया है कि पूरी आवाम जेन्युइनली, वो कभी भी सिलेक्टेड नहीं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पहुँची हुई हैं यौम तशक्कुर मनाने के लिए? हम डे 4 से आ रहे हैं, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से आज तक वी नेवर मिस्ड इवन अ सिंगल टाइम, हम हमेशा आए हैं। बहुत शुक्रिया, कितनी खुशी है माशाल्लाह। आपके मास्क के अंदर से आपकी खुशी मुझे नज़र आ रही है। गुड है, इतनी की नज़र आनी चाहिए। क्या समझते हैं जो इतनी खुशी है, क्या वजह? सी, ये स्ट्रगल है फॉर फ्रीडम, and that is the important part. It is not about Imran Khan, it is not about anybody else, it is about our free will. अच्छा मुझे बताएं, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजल रहमान सब इकट्ठे थे इमरान खान को गिराने के लिए, इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे थे, इलेक्शन में इकट्ठे थे, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? डिस्गस्टिंग इज ऑल दैट आई कैन से, काबिले नफरत है बिल्कुल। तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम के बहुत है रहा हैं, इनकी बेहतरी के लिए काम कर, बस कि दफ़ा हो जाए, इससे पाकिस्तानी कौम खुश है। इमरान खान को क्यों सपोर्ट करें? मुझे सही डिटेल। ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ सिंसियर, सिंपल। सो ही हैज़ प्रूव्ड दैट ओवर अ लाइफ टाइम। ख़त्म। क्या सोचते हैं आगे क्या होगा? जस्ट इस्लामाबाद में शहबाज साहब रह गए हैं, बाकी तो खान साहब आ गए हैं हर जगह सिंध को छोड़ के, तो क्या समझ रहे हैं आगे क्या होने जा रहा है? मुझे लगता है इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, कंडक्ट होते हैं, क्या होगा? आई होप PTI रिटर्न्स विद अ 2/3 मेजॉरिटी, वी कैन मूव टूवर्ड्स अ बेटर सिस्टम। अच्छा मुझे ये बता दें, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरा कैमरा मैन दिखाए, यहाँ एक फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो पहले कभी नज़र नहीं थी आती जलसों में, प्रोटेस्ट में। अब इमरान खान एक कॉल करते हैं, इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हैं और फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद पहुँच जाती है। रीज़न क्या है? हाँ, रेवोल्यूशनरी है ना, पाकिस्तान के लोग उसके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, से इन बाकियों के साथ नहीं करते। ठीक है, ये साथ आपके हस्बैंड जी अस्सलाम वालेकुम, फैमिली के साथ यहाँ पहुँच गया है। हाँ, शक्कर मनाया जा रहा है, सब देखे ना, सब फैमिलीज के साथ ही आ रहे हैं, कितनी खुशी है जो। ये बिल्कुल बहुत खुशी है ये, क्योंकि कायदे-ए-आज़म के बाद वाहिद लीडर है जो हमें मिला है, बाकी तो चोर लुटेरे हैं, सब डाकू हैं। He is the only leader we have got। जो पंजाब में हुकूमत आई है उसकी कितनी खुशी है? उन्हें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि ये फ्रॉड कर रहे थे और ये इस दफ़ा कम अज़ कम जुडिशरी ने फॉर द टाइम बीइंग, आई होप दे कीप प्लेइंग लाइक दैट, बट एटलीस्ट इस केस में जुडिशरी ने ठीक फैसला किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कितनी खुशी है पंजाब में जो हुकूमत आ गई? बहुत खुशी है। बात वही है कि इमरान खान ने बोला था कि अगर मैं वापस आया तो मैं सबको फतह कर दूँगा, और सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि जब हम फेडरल को फतह करेंगे। इन लोगों ने जो कुछ किया वो कौम जानती है, कौम अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी किसी सूरत में भी। बच्चा अवेयर हो गया है, उसको पता है कि कौन चोर है और कौन सही है। इसने फ़ैसला दिखा दिया है, कौम ने अभी जो इंतखाबात हुए थे उसमें फ़ैसला दिखा दिया, और कल जजेस ने जो दिया फ़ैसला उसमें मुतमईन भी हैं। लेकिन आगे जो हालात हैं हमें पता है कि ये लोग बैठेंगे नहीं चुप करके, लेकिन हमने उनका मुकाबला करना है, हर हाल में करना है, और हम हर दफ़ा निकलेंगे, जितनी दफ़ा इमरान खान कॉल देगा हम निकलेंगे, अपने हर काम छोड़ेंगे और इमरान खान के पीछे चलेंगे।